के मामले में अल्लाह के यहाँ देर जरूर है मगर इनकार नहीं है, और आप जल्द देखेंगे कि अल्लाह तो पहले से ही राजी था, वो तो बस आपका सब्र और यकीन आजमाता रहा ताकि शुक्र के सजदे में भी उतनी ही शिद्दत हो जितनी दर्द के सजदे में है, जितनी सब्र के सजदे में है। इंसान का अल्लाह से अच्छा गुमान ही उसका यकीन जाहिर करता है, और याद रखो सारे अज्र सब्र और यकीन के ही हैं। जब कभी तुम मायूस होने लगो तो दिल को बस इतना बताना कि अल्लाह उन्हें भी देता है जो कभी उससे मांगते ही नहीं, तो मांगने वालों के लिए तो उसके खजाने बहुत वसी हैं, और फिर जो हालात की तलखी में भी उसकी रहमत का यकीन रखें उन्हें वो इस तरह नवाजता है कि फिर बस आंसू होते हैं, हैरत होती है और शुक्र के तवील सजदे होते हैं। और तुम देखना अल्लाह तुम्हारे इस यकीन को ही तुम्हारे लिए वसीला बना देगा। अभी जो कुछ नामुमकिन लग रहा है वो उसे अपने खुफिया जरियों से तुम तक लाएगा। अगर गौर करें तो आज हमारे पास ऐसा बहुत कुछ है जिसके लिए हमने कभी ढेरों दुआएं की थी, जो कभी नामुमकिन लगता था हमने अल्लाह को पूरे यकीन से मनाया था, और फिर वो सही वक्त पर हम तक पहुंचा दिया गया। लेकिन क्या हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया? तो फिर आज जब सब्र का वक्त है तो हम कैसे पीछे हट जाएं? जब अल्लाह ने हमें कल नवाजा था तो आज और कल फिर नवाजने की ताकत रखता है। यकीन रखें आपका अल्लाह को बार बार यकीन से मनाना ही आपके लिए रास्ते बनाएगा, और आपकी मंजिल तो फिर आपकी मुंतजिर है। अच्छाई या बुराई का ताल्लुक हमेशा इंसान के दिल से होता है, खानदान, जगह, शहर या मुल्क से नहीं। हाँ, सोहबत से बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर इंसान का ईमान मजबूत हो तो कोई भी उसे बुराई की तरफ आमादा नहीं कर सकता। अगर कोई अक्लमंद इंसान बुराई करता है तो इसमें उसके खानदान या शहर का कसूर नहीं है, बल्कि उसने अपने लिए उस बुराई का इंतखाब खुद किया है। मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि फलां शहर के लोग होते ही धोखेबाज हैं, या फलां का पूरा ख़ानदान ही ऐसा है, जबकि हम कभी ये नहीं सोचते कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर कोई आपके साथ धोखा करता है तो ये उसकी अपनी चॉइस है, उस इंसान ने जानबूझकर बुराई को चुना है और इसका वबाल उसकी अपनी जान पर ही होगा। लोग कहते हैं कि हमें फलां के किए की सज़ा मिल रही है, जबकि ये सरासर गलत है। मेरा अल्लाह तो इंसाफ करने वाला है और वो इंसाफ को पसंद फरमाता है, तो ये हो ही नहीं सकता कि वो किसी बेकसूर को किसी दूसरे के किए की सज़ा दे दे। ये तो बस हमारे नसीब की आजमाइश होती है जो हमें मिलती है, या हमारे गुनाहों की सज़ा जिसे हम जानबूझकर नज़रअंदाज करते हैं। अल्लाह ने कायनात का निज़ाम अज़ल पर कायम कर रखा है, और वो कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता, बल्कि ये हम इंसान हैं जो खुद अपनी ज़ात पर ज़ुल्म करते हैं। अल्लाह इंसान और उसके कल्ब के दरमियान शाने कुदरत ख़ास के साथ हायल होता है, यानी दिल में आने वाला हर ख्याल के दिल में पहुंचने से पहले अल्लाह उससे वाकिफ हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अल्लाह से बहुत कुछ कहना चाहते हैं मगर ज़ुबान साथ नहीं देती, लफ्ज़ बन ही नहीं पाते, और जो कुछ कहना हो उसके लिए हम अल्फाज तलाश करते रह जाते हैं। तब अल्फाज इसलिए नहीं मिलते क्योंकि तब दिल अल्लाह से महवे गुफ्तगू होता है, यानी उससे मुलाकात में इस कदर मगन होता है कि वो ज़ुबान को दखल की इजाज़त ही नहीं देता,
और हम सोचते हैं कि इतना कुछ कहना है पर लफ्ज क्यों नहीं मिल रहे, और आखिरकार हिम्मत हार कर नम आंखों से हम सिर्फ इतना कह देते हैं कि अल्लाह आप तो हमारे दिलों का हाल जानते हैं, तो मेरे दिल की तरफ सुन लें। और उस वक्त दिल अल्लाह से सब कुछ कह चुका होता है। वो मुलाकात भी कितनी हसीन होती है जिसमें हाल दिल बयान करने के लिए लंबी चौड़ी दलीलों की ज़रूरत ही नहीं होती, जिसमें लफ्ज़ों का समंदर दरकार नहीं होता। सामने वाले को अपनी बात का, जज्बात का यकीन दिलाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि दिल का तो अल्लाह से सीधा ताल्लुक है, डायरेक्ट राबता है, हमसे भी पहले का पाक और पक्का ताल्लुक जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जिस दिल में अल्लाह समाया हुआ हो, क्या उसे भी अल्लाह को हाल सुनाने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? क्या मकी ही मकान के हालात नहीं समझेगा? क्या मकान ही मकीन से कुछ छुपा के रख सकेगा? अल्लाह तब होता है जब हजू में दुनिया नहीं होता, और तब भी होता है जब रौनकों का जहां आबाद हो। बस फर्क यह है कि जब तन्हाई होती है तो वो दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, और जब हजूम हो तो वो आवाज और अंदाज हम बहुत पीछे छोड़ आते हैं। वो अक्स मदहम हो जाता है, मगर वो तब भी होता है। तो फिर चलो खुदा को मकीने दिल करते हैं, उसे पाकर दुनिया से बेफिक्र होते हैं। दुआ के मामले में कभी भी लोगों की राय नहीं लेनी चाहिए, हमेशा दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि दुआ का ताल्लुक दिल से होता है और दिल का ताल्लुक अल्लाह से। जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो, अल्लाह पर यकीन हो, अल्लाह से उम्मीद हो, तो दिल गलत मशवरा दे ही नहीं सकता, और तब दिल से मांगी हुई दुआ अर्श तक रसाई भी पाती है और कबूलियत की खुशखबरी भी लाती है। इंसान सारी ज़िंदगी सुकून के पीछे भागता है, और जिस लम्हे सुकून मयसर होता है उसका दिल चाहता है कि वो उस लम्हे को कैद कर ले, मगर लम्हे कहाँ कैद हो सकते हैं, वो तो हाथ से रेत की तरह फिसल जाते हैं, और तब सिर्फ उनकी यादें रह जाती हैं। यही ज़िंदगी की हकीकत है। वक्त बहुत बेरहम चीज़ है, वो किसी के लिए कभी नहीं रुकता, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। जब सब कुछ पूरे दिल से अल्लाह को सौंप दिया जाए तो फिर उसमें अपनी राय नहीं देते, फिर अल्लाह के फैसले का इंतज़ार करते हैं, सब्र करके और पूरे यकीन के साथ, क्योंकि जो अल्लाह जानता है वो आप और मैं नहीं जानते। जो अल्लाह ने देखा है वो आपने और मैंने नहीं देखा, इसलिए कभी भी अपने फैसलों को बेहतर समझकर अल्लाह के फैसलों से बदगुमान न हो, क्योंकि इससे ज़्यादा मोहब्बत हमसे और कोई भी इस दुनिया में, कोई भी इस पूरी कायनात में कोई भी नहीं कर सकता, हम खुद भी नहीं कर सकते अपनी ज़ात से। और यकीन रखने वाली कौम के लिए हुक्म देने में अल्लाह से बेहतर कौन हो सकता है।